हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया आज का वीडियो कैसा रहेगा, तो बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो हम सीखेंगे जानेंगे कि एक प्लान को कैसे रीड आउट करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग थ्री कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ इसी वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर आप एक क्लाइंट हो, अगर आपको नक्शा देखना नहीं आता है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपको फुल्ली सीखने को मिल जाएगा। तो 3D व्यूज आपको सामने है, तो इसी का हम सबसे पहले आपको 2D व्यूज दिखाता हूं, मतलब 2D प्लान कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर वीडियो जो मैंने YouTube पे जो देखा वो 3D व्यूज लेके आते हैं, लेकिन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है 2D व्यूज। क्यों नहीं मिलता है ये नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं जितना वीडियो डाला प्लान के साथ साथ मैंने उसकी 3 व्यूज भी बताया, 3D व्यूज बताया। तो ये पार्ट दूसरी है हमारा, तो इस पार्ट में ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम बातें करेंगे, ठीक है। तो हम ले चलते हैं आप लोगों को सबसे पहले प्लान के ऊपर। एक प्लान मेरे ऊपर आपके ऊपर एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि ये मेरा प्लान है, सिंपल से कहानी, ठीक है। इस प्लान में ये ग्राउंड फ्लोर की प्लान है, तो इसमें कितने बेडरूम है, सबसे पहले आप बेडरूम देखो, वन बेडरूम और एक डाइनिंग एरिया, एक लॉबी एरिया, मतलब इतने सारी चीज हम देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा सेटअप है, ठीक है। इसी का 3D व्यू प्लान अभी मैंने दिखाया, जो सामने से दिखा था। जिन व्यूअर्स को चाहिए वो बेशक आप कॉपी तो नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डिट्टो सेम टू सेम बना देंगा। ये कोई पाठक लाल करके मुझे कमेंट किया था कि भाई मेरा ये प्लॉट साइज है और मुझे कंप्लीट आप 2D भी दीजिए और 3D भी दीजिए, ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग उसे बना पाऊँ। तो उनके कहने पे काफ़ी बार उसने मैसेज डाला था, तो ये वीडियो उन्हीं का है और आप सब भी देखिए, आपको भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पारी आपका भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको एक एंट्रेंस दिख रहा हो, ठीक है। हम एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एंट्री है। जब एंट्री होने के बाद हम डाइनिंग एंड लिविंग एरिया में प्रवेश हो जाते हैं। डाइनिंग एंड लिविंग के बाद हमारा एक बेडरूम है जो 13 फुट 9 इंची बाय 15 फुट की है, और डाइनिंग एंड लिविंग एरिया 10 फुट 8 इंची बाय 19 फुट का देखने को मिल जाता है। और बेडरूम नंबर 2, ये मास्टर बेडरूम है हमारा, ठीक है। ये 16 फीट बाय 14 फीट देखने को मिल जाता है। जस्ट आपको मिलता है इसी के साथ ड्रेसर, ठीक है। थोड़ी सी जूम कर रहा हूँ मैं, ताकि फुल्ली आप लोगों को समझ में आए। देखिए ये हमारा ड्रेसर है, ठीक है। ये हमारा ड्रेसर है जो 6 फुट बाय 8 फुट देखने को मिल जाता है। ड्रेसर में जो हमारा कवर्ड होता है, कवर्ड अलमारिया वगैरह जो हम ये कपड़े वगैरह यूज करते हैं रखने के पर्पज से, एक कवर्ड होते हैं, तो वही ड्रेसिंग एरिया है जो ये मास्टर बेडरूम से रिलेटेड है। और इसी के साथ हमें एक टॉयलेट मिलता है एक बेडरूम के साथ, और इधर हमारा एक बालकनीज मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इतना सा ये वाली बेडरूम का सेटअप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है डाइनिंग एंड लिविंग एरिया, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं बेडरूम में। बेडरूम जो 13 फुट बाय 15 फुट है, इसे भी एक साइड बालकनी मिल जाती है, ठीक है। जो बालकनी साइज है 10 फुट 7 इंची बाय 7 फुट, काफी अच्छी बालकनी, काफी लंबी बालकनी है। 7 फुट आपको चौड़ाई मिलती है और लंबाई 10 फुट 7 इंची मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एंट्रेंस है बेडरूम से, और इसी के साथ आपको यहाँ पे एक टॉयलेट अटैच मिलता है, बाथ एंड टॉयलेट, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे WC आपको दिख रहा होगा, और ये वाला जो आपको ये ग्लास पार्टीशन में दिख रहा है, ये शावर एरिया है हमारा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ इसके बाद लॉबी में, ठीक है। ये हमारा लॉबी है, ठीक है। लॉबी से हमारा एंट्रेंस किचन की तरफ आती है, जो कि किचन, जो किचन की साइज हमारा 14 फीट 7 इंची बाय 10 फीट, ओके। आप संतुष्ट हो इन चीजों से, काफी अच्छा प्लान है। अगर आप, वही मैंने बोला ना, अगर आपको कमेंट सेक्शन में चाहिए आप अपना मकान
कि डिजाइन कराना चाहते हो तो कंप्लीट यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने सबको फ्री, और ये भी आज मैंने फ्री दिया है कि ताकि कोई भी घर बनवा सके, हमसे नक्शा लीजिए आप फ्री में घर बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये किचन के साथ भी एक बालकनी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये सारे सेटअप है हमारा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 3D 3 व्यूज, मतलब 3D व्यूज, उसमें 3 फ्लोर बने हुए, ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, ये सारे आपकी टिपिकल्स है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को व्यूज के तरफ, ठीक है। जो अभी मैंने प्लान दिखाया सेम उसी प्लान का ये 3D व्यूज मैंने बनाया, ठीक है। किसके लिए? ये पाठक जी के लिए और आप सभी के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये 3D व्यूज और प्लस आपको प्लान, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ये हमारा एलिवेशन है, साइड से ये दिख रहा है, ये सामने से दिख रहा है, ये हमारा डिजाइन है जो कि ये SPL में लगी पड़ी है, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे है। अब आपको देखो ये हमारा, फिर ये फ्रंट से अगर हम बिल्डिंग को देखते हैं तो इस तरफ हमें ऐसे देखने को मिल जाता है, राइट। अब और एक व्यूज और दिखाते हैं, ये साइड से देखोगे तो इस तरह आपको व्यूज देखने को मिल जाता है, राइट। फिर ये देखोगे ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये फ्रंट से देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट आपने देखा कि एक 2D व्यूज का 3D व्यूज कैसा दिखता है। देखो बनाने के तरीका अलग अलग है, और भी आप अगर आपको बनाना आता है तो और भी सुंदर इनसे बना सकते हो, काफ़ी मेहनत लगती है ये सब चीज़ें। एक कंटेंट तैयार करने में काफ़ी टाइम लेता हूँ, काफ़ी लगता है, एडिटिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों के लिए लैपटॉप निकालता हूँ, इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो यार एक लाइक तो करके जाओ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।